अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप साहब जी। ये संडे की रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस बिल्ली ने जी हमारे दो चूज़े खा लिए हैं, एक पर्पल वाला और एक ग्रीन वाला, येलो वाला रह गया सिर्फ। ये जी देखिए, हम फोन कर दी ना, मुंडा आके ले जाए। मैं करती हूँ फोन। हमारा जी ये चूज़ा रह गया बस, चूचू ट्रेन मेरी टूट गई है, पर्पल वाला और येलो वाला बिल्ली खा गई है और एक बेचारा रह गया। लेकिन इसको भी हम कह रहे हैं कि हम ना किसी को दे देते हैं जिनके पास ऑलरेडी है, ताकि चीज़ से बच तो जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि अकेला कोई भी बर्ड रखें तो उसका सर्वाइवल चांसेस, स्पेशली ये जो चूज़े होते हैं इनका, कम होता है। तो जी ये हमारे पैरट्स बैठे हैं और आज ये न्यू एडिशन हमारी फैमिली में, आज इब्राहिम ये लेके आया और अभी एक बड़ा मुर्गा भी लेके आया जो ये अपने दोस्त के घर रखवाया। ये जी जो पैनकेक, तो नहीं इसको ना आप आई थिंक मीठा कूड़ा कह सकते हैं, ये उसका बैटर है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, मतलब ऐसे जैसे बिल्कुल पैनकेक की तरह बैटर होता है, लेकिन ये कि ये हेल्दी है। इसमें मैंने दूध डाल दिया है, मैदा है, अंडा है, चीनी है। एहाम और मुस्तफ़ा का दिल कर रहा था पैनकेक खाने का, तो आज उनको कहा जी पैनकेक देती हूँ, लेकिन ये पैनकेक मैदे से नहीं बनाया, इसमें मैंने वो सूजी डाली है, चीनी और दूध उसके साथ मैंने बनाया है। क्योंकि चलो मुझे ये था एटलीस्ट मुस्तफ़ा ने कुछ सॉफ्ट खाना है तो उसके पेट में कुछ अच्छा चला जाएगा। तो बनाया तो है, लेट्स सी कि खाते हैं कि नहीं खाते। बेटू आप क्या कर रहे हो जानी? मैं नहीं आता। ये पैरेट आपका फ्रेंड है? क्या नाम है इसका? इसका कोई नाम रखा है आपने? नहीं, नो? नेमलेस है, जैसे होमलेस नहीं होते आपने। अच्छा, वैसे ये नेमलेस है। चूजा हमारा अकेला रह गया, सुबह से इसने शोर डाला हुआ है कि मेरे फ्रेंड्स की तरह की तरह। आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी, ये देखें जी कभी इधर कभी। मैं जी मुस्तफ़ा को पढ़ा रही थी तो उतनी देर मैंने ड्राइवर को कहा ये कूलर लगा हुआ, इसके अंदर पानी है बहुत ज़्यादा, तो इसको ना क्लियर करते उससे पहले डेंगू या मलेरिया का कोई सीन हो जाए। तो ये जी ड्राइवर, यहाँ मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी, ड्राइवर देखें कूलर साफ कर। ये जी बच्चों के लिए वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि मुस्तफ़ा ने मिर्चें नहीं खानी, किसी भी किस्म के मिर्च मसाले भी मुस्तफ़ा ने अवॉइड करें। तो क्या था मामा, मैंने वाइट सॉस पास्ता खाना है। इब्राहिम की डिमांड थी जी मैंने रेड सॉस पास्ता खाना है और मुस्तफ़ा, अच्छा इब्राहिम की डिमांड थी जी मामा मैंने रेड सॉस पास्ता खाना है, तो बस अभी इसको रेड सॉस पास्ता बना के दिया, इतना बनाया कि जो ये अभी खा ले थोड़ा सा, और थोड़ा सा फिर सुबह लंच में ले जाएगा साथ। और एहाम और मुस्तफ़ा के लिए वाइट सॉस पास्ता बन रहा है, क्योंकि मुस्तफ़ा ने भी मिर्चें खानी नहीं है, तो मुस्तफ़ा के लिए वाइट सॉस पास्ता मैं बना रही हूँ। जी बस बच्चों का एंडिंग
टाइम चल रहा था सोने का, लेकिन फिर हम लोग का प्लान बन गया डिनर का। सुने जी ये हाजी चरगा हाउस है मुगलपुरे में, इनका खाना बहुत मज़े का, बहुत बहुत मज़े का। इनकी रेट लिस्ट और मेन्यू में दोनों चीज़ें यहाँ पे उनसे शेयर कर रही हूँ, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि इनके जो रिब्स हैं, इनका जो टिक्का पीस है, ज़रूर जाइए। ये थी जी बच्चों की वीकेंड की रूटीन जो आपसे शेयर की है मैंने। सब जी अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।